कराची मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सोहराब गोड टाउन के यूसी 5 में कायम इमाम बारगाह अल अब्बास और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई का काम ना हो सका। मजलिस में आने वाले तमाम मोमिनीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। इमाम बारगाह की मेन गलियों, मेन रोडों, जुलूस की गुजरगाहों में सफाई सुथराई और लाइटिंग का काम मुकम्मल न होने पर मोमिनीन का मुतवल्ली अब्बास खोखर की क्यादत में एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि इमाम बारगाह अल अब्बास के मेन रोड पर 2 से 3 फुट बरसात का पानी खड़ा है, जिसकी निकासी के लिए मुसलसल हमने एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख को शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन सफाई का कोई काम नहीं हो सका। उन्होंने वजीर बल्दियात सैयद नासिर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख से फौरी तौर पर इमाम बारगाह के सामने और जुलूस के रास्तों में सफाई सुथराई करवाने का मुतालबा किया।